वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है दिवाली एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आज के दिन मैं पूरा दिन व्लॉग करूंगी और आपको अपना हाउस टूर भी कराऊंगी। अरे अरे, इस वीडियो को सीधा एंड तक नहीं ले जाना, अगर ले जा रहे हो तो उसी वक्त रुक जाओ, क्योंकि क्या पता इस वीडियो में आपको कुछ मजेदार सीन्स देखने को भी मिले। और अभी बज रहे हैं 7:45 और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे बाल पूरे बिखरे हुए हैं। और अभी हम लोग सारे थोड़ी देर पहले ही उठे हैं, पापा तो ऑफिस जा चुके हैं 15 मिनट पहले ही। और लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मम्मी और मेरी हाउस मेड आडिया फूल और पत्ते लाए हैं तोड़ के, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर खूब सारे पत्ते पड़े हुए हैं। ये है गोलू और अभी मैं इन पत्तों का स्टेपलर करूंगी और गोलू मेरे को पत्ते पड़ाएगी। हमने ये पत्ते साफ कर दिए हैं कपड़े से, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा धूल लगी हुई थी। और गोलू भी साफ कर रही है। फाइनली तो पढ़ चुके हैं, अभी हम सब लोग थक चुके हैं। मेरे को बीच बीच में टाइम मिलता था डेकोरेशंस के वक्त तो मैं बना लेती थी वीडियो, या फिर मैं हाइपर लेप्स करके बना लेती थी वीडियो, क्योंकि कैमरे को होल्ड करना और फिर डेकोरेट करना इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था मेरे से। मैंने ट्राई करने की कोशिश की पर नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, मैं आपको लास्ट में पूरे घर का व्यू दिखाऊंगी। ऑफ कोर्स हाउस टूर तो हो ही जाएगा। और अभी एक और चीज़ करना बाकी है, वो है रंगोली बनाना। उस वक्त मेरे को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो फिर मैं आपको वो दिखा सकती हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को सीधा आगे नहीं ले जाना। ये देखिए कि हम लोग बनाने जा रहे हैं रंगोली, और जैसे कि मैंने कहा था, और बनाते हैं। आपको अपना हाउस टूर कराने। एंड वेलकम टू माय हाउस। और ये है मेरे घर के साइड वाली वॉल, और इसको हमने पेपर और पत्तों से और फूल चिपका के बनाया है। और ये है मेरी रंगोली जो मैं बहुत वक्त से बना रही थी, और ये मेरी पहली रंगोली है। आई होप आपको अच्छी लगी हो मेरी प्यारी सी रंगोली, बड़ी मेहनत करके बनाई है। और अब आगे बढ़ते हैं। और ये मेरी बनाई हुई पेंटिंग है। मुझको पता है कुछ लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे कि मैंने बनाई है। और इसके साइड्स में मैंने पत्ते लगाए हैं फोल्ड करके, और उसके ऊपर फ्लावर्स। और अब बारी आती है मेन गेट की, अब लक्ष्मी के पैरों की, जो मेरी प्यारी सी मम्मी ने बनाए हैं इनको, और उनकी बनाई हुई रंगोली जो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी पर बड़ी ही अच्छी बनी है। और अब बारी आती है हॉल की। जैसे कि आप देख सकते हो हमने हॉल को भी बड़े अच्छी तरीके से सजाया है, और टीवी पे चल रहा है मैच, और हमने सिर्फ लाइटिंग्स भी लगाई है। और अगर आप देख सकते हो हमने सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पत्तों और फूलों से ही सजाया है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से।
और हमने इतने सारे पत्तों को स्टेपल करके और उसमें बीच में फ्लावर लगा के और ऊपर एक लंबा सा पत्ता उसको स्टेपल करके लगा दिया है, जिससे कि ये अच्छा दिख रहा है बहुत ज़्यादा। और अब हम ये दिखाती हूँ मैं आपको, और ये हमने बहुत दिन पहले ये बना दिया था। हमने कई सारे पेपर के कटआउट्स करके और एक पेपर पे चिपका दिए थे, और ये बना है पत्तों से ही। और हमने इसको धागे में एक साथ डाल के और फिर पीछे से बांध दिया है, और इधर भी हमने वही अपनाया है पर बीच में वाइट फ्लावर लगाया है। और अब मैं आपको और आगे दिखाती हूँ, ये देखिए आप, ये हमने बहुत, और ये मैंने नीचे कई सारे फ्लावर्स लगाए हैं पिंक और वाइट, और ऊपर एक सुंदर सा पिंक कलर का कपड़ा बिछा दिया है, और इसके ऊपर मैंने सी शेल बहुत बड़ा वाला लगाया है, और उसके ऊपर मेरी मम्मी का बनाया हुआ एक प्यारा सा बुके, और इसके ऊपर भी हमने वही फ्लावर्स और लीव्स लगाई हैं, और इस तरफ भी वही अपनाया है। और ये देखिए आप लोग कि हमने जो साइड में इसको बांधा है तो सिर्फ और सिर्फ पत्तों से, और इधर नीचे कई सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी लगाए हैं, और पूरा इसको कवर कर दिया है ताकि ये ज़्यादा दिखे नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसको एक बड़े वाले पत्ते से बांध दिया है, कि आप देख सकते हो मैंने सी शेल में तेल डालकर उस पर दिया जला है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऊपर जैसे कि आप देख सकते हो हमने एक बहुत बड़ा सा पत्ता लेकर उसको डेकोरेट करने की कोशिश की है, और उसके साइड में दो पत्ते भी लगाए हैं। और अब हम आगे चलते हैं रूम की तरफ, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मूला सेम है, पत्ते अलग है और फूल अलग है, बस हमको इसको स्टेपल करना है और दीवार पे चिपकाना है, और ये है उसका क्लोज लुक। और ये है मेरा कमरा, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर डोर पे वही लगा हुआ है पत्ता और फूलों की दोस्ती का झमेला। और अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ, इस तरफ है मेरा प्यारा सा पिंक बेड, और उधर लगे हुए हैं फ्लावर्स। और अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ, और यहाँ पर है मेरी पेंटिंग्स और गुल्लू की भी पेंटिंग्स, और ये है कबर्ड जहाँ पर थोड़ा बहुत मैसी सा हो रखा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ गुल्लू की पेंटिंग्स, और ये है मेरी प्यारी सी गुल्लू की पेंटिंग जिसपे इसने एक मेरा भी नाम लिखा है, और यह है मेरी, और यह है प्यारी सी राजस्थानी सी पेंटिंग पधारो सा, मेरे को पता है नेक पे नहीं लिखा जाता पर मैंने लिखा है। और यह है नेचर डजंट नीड पीपल, पीपल नीड नेचर वाला स्लोगन, और जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये है मेरी और पेंटिंग्स जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी हमने पत्तों का वही लगाया है फॉर्मूला, और ये है प्यारी प्यारी बटरफ्लाई जो हमने पिछले साल लगाई थी यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइटी वाइटी वॉल है इसलिए। और ये है प्यारा सा एक और बुके जिसको हमने कई सारे अलग अलग तरीके के पत्ते और फूलों से सजाया है एक ग्लास में, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो बड़े बड़े पत्ते हैं उनको फोल्ड करके यहाँ पर लगाया है। और ये है हमारा मेसी सा किचन, और अब मैं आपको दिखाती हूँ खिड़की के उस पार जो है वो है स्विमिंग पूल, जहाँ पर मैं रोज सुबह सुबह जाती हूँ स्विमिंग करने, और ये है हमारी बिल्डिंग। हमारा सेकंड कमरा, और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, चलिए अंदर, वो है मेरे
मेरे पापा की परफ्यूम्स की कलेक्शन, जिसमें हमारे सिर्फ 3 परफ्यूम हैं, एक ये फॉग की जी 2 है ये, और अभी जो आपने इधर ये पिंक वाला दिख रहा है ना आपको मैं एंड में वो और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 3rd कमरा और ये आखिरी कमरा है और यहाँ पर भी हमने वही सब अप्लाई किया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और मैं आपको इसके अंदर ले चलती हूँ और यहाँ पर भी वही डेकोरेशन है और ये हमारा पूजा का भी रूम है और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर आटिके दिए भी बनाए हैं और ये गोलू की पेंटिंग्स और मैंने गोलू भी बनाई है उधर और उस तरफ पूजा का है और ये भी हमने पिछले साल ही बनाया था, थोड़ा सा कवर हो चुका है शीशे की वजह से, पर आपको बाहर का दिख रहा है। और ये है हमारी प्यारी सी देवी माता, गणेश जी और हनुमान जी। और साइड वाली जो ये ड्राइंग देख रहे हो ना, ये मैंने बनाई है। स्वीट्स ये दोनों मेरी मम्मा ने बनाए हैं। ये है छोटे छोटे प्यारे प्यारे केले, सेब और पाइनएप्पल। और आगे आगे दिखाती हूँ मैं आपको, ये है मेरी फेवरेट सोन पापड़ी। I hope so you like this video. Please subscribe to my channel and like this video. Bye.